वेलकम टू माय एसी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गोभी की। जैसा कि गोभी का सीजन आ गया है, बहुत से लोग हैं जो कि गोभी को बहुत लाइक करते हैं, तो मैं आज गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं 1 kg बीफ ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज, इसको आपने कटिंग कर लेना है। 3 अदद टमाटर, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का 1 पीस, 2 बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 ग्लास इसमें हम पानी का ऐड कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए इसे हम प्रेशर पे रख देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटी वो डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसा कि पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें घी भी ऐड कर देंगे साथ ही। 1 कप इसमें घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, इससे ये है कि खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी, जायका भी बहुत ही मज़े का होगा गोभी गोश्त का। जो घी हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छे से भुना जा रहा है। अब साथ ही हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 1 kg मैंने बीफ लिया था, 1 kg ही इसमें मैं गोभी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो चुका है। फाइनल अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और अपनी सब्ज़ी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये घी भी इसने छोड़ दिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स हमारा गोभी गोश्त का सालन भी तैयार है गरम गरम, और साथ गंदम की बनी हुई रोटी, बहुत ही मज़े का इसका जायका आता है गंदम की रोटी के साथ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये सालन कैसा बना। अगर आपको मेरा ये आसान सा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।